हम सुबह सवेरे पेशावर से निकले और तकरीबन 10:30 बजे खूबसूरत खैबर पास से होते हुए खैबर राइफल्स में पहुंचे। लंडी कोतल तक की रोड बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और आप कोई भी कार लेके वहां तक जा सकते हैं। ये बहुत ही सिक्योर एरिया है और आप अपनी फैमिली के साथ भी वहां जा सकते हैं। खैबर पास एक बहुत ही तारीखी रोड है और यहाँ पर आपको हिस्ट्री की बहुत सी तारीखी इमारतें नज़र आएंगी, जैसा कि पुरानी रेलवे लाइंस, अफगानिस्तान बॉर्डर, मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स, लंडी कोतल शहर, और लंडी कोतल शहर में मौजूद ये खैबर राइफल्स मेस जिसमें एक म्यूज़ियम भी है और आज हम आपको यहाँ लेकर जा रहे हैं। खैबर राइफल्स एक नीम फौजी दस्ता है जो जदीद पाकिस्तानी नीम फौजी दस्तों की फ्रंटियर कोर का हिस्सा है। खैबर राइफल्स 1878 में कायम किया गया था और इसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान के कबायली इलाके लंडी कोतल में है। सर कर्नल रॉबर्ट वारबर्टन इसके पहले कमांडेंट थे, जो कि 1899 तक इसके कमांडर रहे। एक चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना है कि खैबर राइफल्स मेस मिलिट्री कंट्रोल है, इसलिए आपको वहाँ पे प्रॉपर इजाज़त लेकर जाना होगा। आइए अब आपको सैर कराते हैं खैबर राइफल म्यूज़ियम की। ये सर 1913 में एक ब्रिटिश ऑफिसर था, तो वो ड्रंक था, तो उसी टाइम सर ये सामने गया था, अभी सर ये कमांडेंट हाउस है। और आपको जब नशे हालात में बाहर निकला था, उसने ये सोचा था कि इधर आपने जगह से हेल्प है, दूसरी जगह में जा, तो वह सर नज़दीक आ गया। 2 दफ़ा इसको ऑर्डर भी दिए हैं कि अपने जगह में खड़ा हुआ तो नहीं खड़ा होता था, तो यहाँ जो सर मैं सवालदार था उसको फौरन ऑर्डर दिए हैं, ये तो मेरा ऑर्डर नहीं मानता, इसको फौरन अरेस्ट कर दिया। तो उन्हें सर रात से जंजीरें से बांध दिया सर। ये 1913 से ये अरेस्टेड है। ये सर इस स्टोन पे जो कुदरती अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है, ये वादे तेरा से मिला था 2004 में सर। ये देखें माशाल्लाह है, ये बिल्कुल क्लियर माशाल्लाह, और ये सर अल्लाह का नाम है, और इस साइड पे जो ना कि सर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। ये खुद ही लिखा हुआ था, ये खुद ही सर इसी पत्थर पे पक्के लिखे हैं, देखे सर मोहम्मद। ये सर सन क्लॉक है, और ये सर जो है ना पूरा दुनिया में सिर्फ इस तरह जो है सिर्फ दो है। अच्छा। एक जर्मनी में है और एक ये है सर। ये 1923 इस जगह पे सर इंस्टॉल हुआ है सर, और ये दूसरी जगह में सर काम भी नहीं करते, सिर्फ वह इसी जगह पे जो है ना इसका सूरज की डायरेक्शन है ना सेट है सर। ये ऊपर जो है ना सर इसका ये 1 से लेकर 31 तक इसका ये सर तारीख है इसकी, और सर ये 12 महीने हैं, 1 से लेकर 12 तक घंटे हैं, और 1 से लेकर 60 तक मिनट हैं। और ये सर इसमें 2 प्लेटें हैं, इसी 2 प्लेट में सर अंदर से लकीर लगे हैं, और सर इसमें 2 सुराख हैं। इसमें सर ये 2 चीज़ें हमने सेट करना है इस तरह। नवंबर की महीना है सर, और ये है आज 5-6 तारीख, ये 6 तारीख में सर लगे। उसके बाद सर ये 2 सुराख जो ना, अभी ये सूरज के साथ हमने डायरेक्शन करना है, वो सूरज के डॉट निकलते हैं सर इसी लकीर पर अंदर साइड से। ये देखिए छोटा सा डॉट आ गया सर, ये लाइन पर हो गया सर, और ये सर अभी आपके पास टाइम हो गया 10:40 होंगे सर, 10:38। ये सर विजिटर बुक है 14 अप्रैल 1948 का, तो यहाँ कई आजम फातमा जनाने भी विजिट किए हैं सर। यहाँ जो लोकल मलक है शिनवारी अफरीदी, उन्होंने सर ये तोहफे भी पेश किए हैं सर। शिनवारी का जो है नान मशहूर है सर, ये उनके नान पेश कर रहे हैं सर। वो मसूद मलक है, मसूद ने उसको बंदूक पेश किए हैं। उसके बाद सर वो अफ्रीकी ने सर उसको दोंबा पेश किया था सर। तो उसके बाद सर वो कजियाजम जो बॉर्डर पे गया था, उस टाइम ये बॉर्डर था, ये तोरखम बॉर्डर है सर, और ये सर अफगानी सोल्जर है। अफगानी सोल्जर ने जब हाथ मिलाए थे कजियाजम के साथ, बाद में अफगानी ने हाथ काट दी कि कजियाजम के साथ क्यों हाथ मिला था, और ये सर उसका ओरिजिनल सिग्नेचर है मुझसे जना फातमा जना का। और ये सर खैबर राइफल के कमांडेंट है, जो फर्स्ट कमांडेंट था लेफ्टिनेंट कर्नल नवाब असलम खान था 1881 में। ये सर गुरों के साथ फर्स्ट कमांडेंट था मुसलमान। उसके बाद सर ये 3 ब्रिटिश ऑफिसर हैं, तो उसके बाद सर मोहम्मद शर्जान ने सर फर्स्ट चार लिए समझौता दें। और ये सर जो ना IGFC है, जो फर्स्ट IGFC है बिरगे अहमद जान, ये सर नवाब असलम खान का नवासा है।
और ये सर हमारे मौजूदा कमांडेंट है सर। ये सर हमारा आई जी एच सी अदिल अमीन सर। ये सर हमारे फर्स्ट इंजीनियर सर। ये सर जो ना फर्स्ट राइफल है जो लगे हैं इस यूनिट के नाम भी सर खैबर जज़ेल था 1881 में। ये राइफल जिसके पास था तो वो बंदा खैबर यूनिट में भर्ती होते थे उस टाइम सर राइफल जाती थी। बाद में सर ये राइफल तो बाद में है ना, ये मटेरियल आते हैं। और ये सर जो ना 2019 का तस्वीर है सर मिशनी पोस्ट के सर। आगे जो लगे हैं सर वो 1925 के हैं सर। हाँ सर ये सर 1925 के हैं सर। ये 1925 में सर ये देखे एक अच्छा से रास्ता था देखो भी ये चीज़ चलती है ना। ये रेलवे कॉलोनी भी ख़त्म हो गया यहाँ सर बस स्टैंड में। तो ये सर तिमूर बसा का जो पानसी घाट है और ये सर पानसी जो ये सर मिशनी से आपको नज़र आ रहा सर मिशनी पे जाएंगे ना वहाँ सर मिशनी आगे। और सर ये जो ना जीरो लाइन है तो हम पास ये सर तकरीबन 30 से ज़्यादा मुल्क ने खैबर फल में इसका विजिट किए हैं सर। ये उनका शील्ड पड़ा है साथ उनकी ग्रुप फोटो भी हैं। तो सर ये अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश कनाडा चाइना ये सब ने सर विजिट किए हैं। ये सर क्वीन एलिजाबेथ हैं 1961 में विजिट किए सर। प्रिंसेस एनी मार्गरेट थैचर और ये लीड डियाना के सर। ये सर सारे जनरल हैं तुर्की के जितना जनरल तुर्की खैबर फल में इसका विजिट किए ये सब सारे उनकी तस्वीरें हैं। और ये सब केन्या जापान थाईलैंड से ये सब में सर मैस का विजिट किया। ये जो पिक्चर अक्सर लोगों ने बनवाई है ये वो बाहर जाम खड़े थे ना वो जी सर उसी जगह। ये सर राजा शाह ईरान का बेटा है सर। तो ये एक दिन के लिए खैबर फल का कमांडेंट बनाया था अच्छा। ये सर निकी रसलर हैं ये सर जिमी कार्टर हैं ये निक्सन हैं मार्गरेट थैचर उस वक्त अमेरिकन आते होते थे। हाँ सर ये किंग हुसैन जॉन कैनेडी ये सर है जॉन मेजर ये सर सीनियर बुश ये प्रिंसेस एनी और ये सर मोहम्मद अली बख्शर और ये सर फिल्म ही रॉबर्ट डी नीरो। ये सर जॉन कैनेडी के साथ कैमरा मैन है सर। तो उसी टाइम सर ये बॉर्डर क्रॉस करें तो ये वापस करें। ये जो ना सर फर्स्ट कमांडेंट था लेफ्टिनेंट कर्नल सर नवाब असम खान ये सर उसका बेटा है ब्रिगेडियर अहम असमुद्दीन। और ये सर जब छोटा था ये तस्वीर इसके हैं सर ये वालिद के साथ खड़ा है सर।
और इसका बेटा सर ये है बेरी अहमद जान, और ये दोनों सर शेर भाई हैं, ये असमुद्दीन साहब का बेटे हैं, एक ब्रिगेडियर प्रमोटर ये सर कर्नल साहब। ये सर चाइना, ये सर यूएसए के हैं। ये सर 11 कोर कमांडर है मान साहब, और ये सर जनरल जरार साहब, ये सर 11 कोर कमांडर है सर, ये सर मुशर्रफ साहब ने विजिट किया 2002 में, और ये सर जवलक साहब 1954 में जो मेजर था यहाँ से, 101 कमांडर था ये अलग से। अच्छा, वो अपने जवान से कर्नल जब से उस वक्त मेजर जी सर जुनेजी, ये बिनाजी जो जनाने इस्तेमाल किया था 14 अप्रैल 1948 में, जब ये वही मैं हमें इस्लामिया कॉलेज जब आए थे वही वाले उसे कैंटेस कर दिया था। और ये सब पहला वो क्रिकेटर जो तंदुलकर मिस ने अच्छा ये जब आए थे, ये किधर खड़ा है, इसके अंदर ही कहीं है ये आगे मिशनी पे है। मिशनी पे जी सर। ये सर उनका जो है ना बेड सैन है, और ये सर उनका ग्रुप फोटो है सर। और ये सर कल्चर है, ये सर आपने देख के रास्ते में खैबर गेट, ये जमरोद फोर्ट है सर, ये शगई है, और ये सर अली मस्जिद है, और ये सर लंडी कोतल का जिस कैंट में हम खड़े हैं ये सर पुराना तस्वीर है 1908 का। अच्छा। और ये सर शूला स्टूप है सर, रास्ते में रास्ते में आया बिल्कुल। और ये सर जो बुद्ध है ना, ये बुद्ध का है सर, ये वहाँ से निकला है सर। अच्छा, ये सर। और ये सर आगे मिचनी पोस्ट है यहाँ तक आप जाए, और ये सर एवर पास है। ये सर जिस इलाके का उजरे का सिस्टम होते हैं तो उनकी सर इस तरह उजरा होता है, मलक साहब जो